हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ स्टंबल गाइस। बाय द वे, ये गेम प्ले तो होने ही वाला, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टंबल पास बेसिकली कैसे ले लेते हैं। मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं जिनके पास स्टंबल पास नहीं होता, उनको जेम्स चाहिए होते हैं लेकिन वो जेम्स ले नहीं पाते, उनके पास पैसे नहीं होते। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप फ्री में स्टंबल पास कैसे ले सकते हैं। जो आपको मेरे पास 1035 जेम्स दिख रहे हैं ना, ये मैंने कैसे कमाया मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं लेजेंडरी ब्लॉक डैश खेलता हूँ और इसमें आप नॉर्मली समझो दिन का एक मैच जीतते हो बिना किसी नुकसान के, तो आपकी 30 जेम्स वहाँ से हो जाएंगे। और आपको चाहिए 1200 जेम्स स्टंबल पास ख़रीदने के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास 1200 जेम्स थे, मैंने ख़रीद चुका हूँ ये स्टंबल पास। मेरे पास बहुत सारा सामान है, तो बेसिकली आपको 1200 जेम्स ही, तो आपको यहाँ से 30 जेम्स बन जाते हैं। अब आप ये पूरे दिन के मतलब महीने के 30 टाइम करो या 28 डेज पकड़ के चलते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो 28 टाइम्स 30 कितना होगा, कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेट, तो ठीक है 28 टाइम्स 30 840 जेम्स होते हैं, तो 840 जेम्स तुम्हारे वहाँ से हो गए। फिर तुम शॉप में आओ, ये जो स्पिन्स दिख रही है तुम्हें, खैर और ये एक स्पिन, ये बेसिकली ये सबके पास नहीं होती क्योंकि इसके लिए तुम्हें पता नहीं क्या करना पड़ता है, मुझे भी रिक्वायरमेंट उसकी पता नहीं है। ये जो तुम्हें लकी व्हील मिल रही है उसमें तुम्हें 5 पिंस देखने को मिलती है, एक फ्री में करके बाकी 4 ऐड देके करनी पड़ेगी। तो अगर तुम इसको घुमाते हो तो तुम 20 जेम्स मिनिमम 20 जेम्स या लो बॉल करके 15 जेम्स करके समझ लो, तो 15 जेम्स टाइम्स इसको भी 25 दिन कर दो, क्योंकि हर टाइम तो तुम एक्टिवेट नहीं रहोगे, एक्टिव नहीं रहोगे स्टंबल में, तो 25 दिन करके बैठो, तो 15 times 25 कितना होता है, कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेट, तो 15 times 25 है 545 जेम्स। 800 + 545 कितना होगा, कैलकुलेट करो, 1300 जेम्स के कुछ आसपास का होगा, 1300 या 1400। तो तुम ऐसे ही करके इसको मिनिमम करके 1000 कर लो भाई, मिनिमम इसका 1300 हो रहा है, तो तुम इसको मिनिमम करके 1000 समझ लो। फिर यहाँ पे मिशंस हैं, यहाँ पे रेगुलर बेसिस हफ्ते में जेम्स मिलते रहते, तो तुम हफ्ते का 30 जेम्स पकड़ के चल लो। और फिर यहाँ से अगर तुम कुछ करते हो, हर एक बार आता है कि तुम्हें 4 या 5 राउंड जीतने होंगे, तुम्हें 20 या 25 जेम्स मिलेंगे, उस हिसाब से तुम कर लो कि 4 बार तुम्हें ये मिलता है, उस हिसाब से तुम्हारे पास स्टंबल पास के लिए हो जाएंगे बिल्कुल ही, मतलब 1200 जेम्स तो आराम से हो सकते। ये बस नाटक कहते हैं कि हमको जेम्स फ्री में नहीं मिलते, जेम्स कमाने के बहुत तरीके हैं लेकिन ये लोग ट्राई ही नहीं करते, ये इवेंट्स भी आते रहते हैं। अब देखो ये इवेंट कंप्लीट करने पर जब 15 स्टेज पहुँचते तो तुम्हें 50 जेम्स मिलते, वहाँ से इवेंट से भी ले सकते हो। फिर यहाँ पर और एक्स्ट्राज में आओगे तो यहाँ अर्न फ्री जेम्स का ऑफर है, जिसके पास ये अर्न फ्री जेम्स का ऑफर नहीं है, वैसे तो सबके पास ही होना चाहिए लेकिन जिसके पास नहीं है वो बोल सकता है कि नहीं कर, लेकिन ये अर्न फ्री जेम्स में कितने सारे ऑफर है देख लो भाई, तुम 457 जेम्स, 10,000 जेम्स, 330, 1,300, 753, ऐसे अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये जेम्स ले सकते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये काम करना ही नहीं है, उन्हें बस चाहते हैं वो लोग कि उन्हें बस कैसे भी करके जेंट्स मिल जाए, बस फ्री में मिल जाए, कुछ मेहनत ना करना पड़े। तो मेरे भाई लोग समझ दो, बिना मेहनत के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ज़िंदगी में भी यही करोगे क्या कि हमें मेहनत नहीं, हमें सक्सेस चाहिए, हम मेहनत नहीं करेंगे तुम सक्सेस ला के दो हमें। अगर तुम दुआ भी करते हो, तुम्हारा जो भी गॉड होगा तुम उससे दुआ करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए दिला दो, वो दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक तुम उसके लिए मेहनत नहीं करोगे वो थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे, वो खुद बोलेंगे कि जब तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो कहाँ से आएगा, तुम्हें भी तुम्हारी भी तो कोई मेहनत चाहिए ना, मैं ऐसे ही कैसे दे सकता हूँ, खुद बोलेंगे। लेकिन ऐसा कोई बोलता नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि जो तुम्हारे गॉड होंगे वो कुछ ऐसा बोल तो नहीं बोलेंगे तो नहीं तुम्हारे दिमाग में आके, लेकिन कभी सपने में आके ऐसा कभी भी बोल सकते, ऐसा होता है कभी कभी, कभी कभी आते। तो भाई मेरे भाई, अगर तुम्हें स्टंबल पास चाहिए तो मेहनत करो, वरना नहीं करो गेम छोड़ दो। अगर तुम ये अपना ये ख्याल अपने दिमाग में लेके बैठे हो कि कोई भी मुझे जेम्स दे देगा, भाई कोई कुछ नहीं देने वाला, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।